नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गार्डनर्स एकेडमी में राज्य व्यवस्था की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साइलेंट फीचर की हम बात करेंगे यहाँ पर, कि हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। और सिर्फ उसको याद नहीं करेंगे, समझेंगे भी। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की नहीं हैं या हैं, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। और संविधान में समझ के लिए भी टॉपिक आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान या भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, ये संविधानों के फीचर होते हैं, बड़ा होना, लिखित होना, है ना। तो क्या कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मौखिक संविधान नहीं, लिखित संविधान मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से एक जहाँ सारे नियम कानूनों को लिख देना और बार बार उसी को रेफरेंस मानते हुए प्रशासनिक या शासकीय या न्यायिक कार्यों को करना। ठीक, तो इसलिए लिखित संविधान होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अलिखित संविधान है, जैसे ब्रिटेन का ही संविधान आप ले लीजिए, वह परंपराओं पर, कुछ जस्टिस पर, है ना, और कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ही क्या है, निर्भर है। वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत का संविधान क्या है, लिखित है। इसके अलावा देखिए USA का संविधान, वो भी क्या है, एक लिखित संविधान है, है ना। तो इस प्रकार से तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, है ना। अगर इसमें हम बात करें तो देखिए, जब हमारा संविधान लिखा गया है ना और कंप्लीट हुआ, तो उस समय ही संविधान में 22 भाग थे। ठीक, संविधान को अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। तो इस तरीके से कुल इसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। अगर हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेदों की, तो 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां भी बनाई गई थी। और इस प्रकार से उस समय जब संविधान हमारा मूल संविधान था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, है ना। जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भागों की संख्या 25 हो चुकी है। ठीक, अनुच्छेद 460 से भी ज़्यादा हैं और अनुसूचियां 12 हैं, लेकिन अभी भी भाग 22 ही लिखा जाता है। वो अभी हम आपको समझा देंगे, बस ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। ठीक, तो मूल संविधान कितने भाग थे, 22 भाग थे। इसके बाद अलग अलग समयों पर अलग अलग भाग जोड़े गए। अब तक संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए। सबसे पहले भाग 4 जोड़ा गया। ठीक, और इस 4 में क्या है, मूल कर्तव्य। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो मूल कर्तव्यों के बारे में पुनः इसकी चर्चा होगी। ठीक, भाग 4 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ना। और तो इसका मतलब क्या है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक, मूल संविधान जो आपका था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये सब कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो भाग 4 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस सन में हुआ था, 1976 में, 1976 के द्वारा। ठीक, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत, 41वें, 42वें, 43वें, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा किस सन में जोड़ा गया, तो 1976 है ना। तो ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए।
ठीक, मूल कर्तव्य। भाग चार क में क्या है आपका, मूल कर्तव्य है। ठीक, और जब हमने आपको स्रोत पढ़ा था हमने बताया था कि ये मूल कर्तव्य का जो मूल कर्तव्य की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया, USSR से लिया गया। ठीक, यानी कि रसिया के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लिया गया है। इससे संबंधित एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे उसका नाम। फिर जब हम मूल कर्तव्य चर्चा करेंगे फिर यहाँ पर आएंगे। इसके बाद देखिए जो दूसरा इसमें जोड़ा गया, अगर हम भाग की बात करें तो भाग 14 को अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाए गए। ठीक, बहुत सारे ऐसे विवाद थे उसके लिए अलग अलग अधिकरणों की व्यवस्था की गई, जहां पर आपसी समझौतों के माध्यम से न्याय हो सके, है ना। हालांकि आप जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद होता है, या केंद्र और राज्य के बीच में, या राज्य के समूह और केंद्र के बीच में कोई विवाद होता है, तो उसके लिए सीधे जो है आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार था उन विवादों के निपटारे के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीजर था, एक लंबा समय था, और कई राज्यों में बहुत सारे संसाधनों को लेकर विवाद, जल संसाधन जैसे नदियों का विवाद आप देखेंगे, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए, अधिकरण बनाए गए, है ना। और इसके लिए ये भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, भाग 14 क के रूप में अधिकरणों की व्यवस्था की गई, और यह भी इसी समय किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, है ना। ठीक, तो जब मूल कर्तव्य जोड़े गए उसी समय संविधान में भाग 14 क में अधिकरण भी जोड़ा गया। ठीक, आइए इसके बाद देखते हैं भाग 9 क, ये क्या है, नगर पालिका। भाग 9 क नगर पालिकाएं। ठीक, तो नगर पालिकाएँ क्या हैं, तो आप जानते हैं कि भारत में जब मूल संविधान बना था तो दो स्तर की सरकार थी, एक केंद्र और दूसरे राज्य स्तर की, है ना। लेकिन स्थानीय शासन यानी शासन व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, है ना, और नगर पालिकाओं और पंचायतों को, ठीक है, भाग 9 क के रूप में जो है संविधान में जोड़ा गया, और यह आपका संविधान संशोधन था 74वें संविधान संशोधन। एक बात देखिए और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाग 9 में यहीं पर जो है पंचायतों को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही क्योंकि भाग 9 में उसे जोड़ दिया गया था। हम यहाँ पढ़ रहे कौन कौन से भाग बाद में बढ़े, है ना। तो 9 का भाग बढ़ा था नगर पालिकाओं के रूप में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, देखिए जब भी कोई भी प्रस्ताव या बिल जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह बिल होता है, और जब वह पारित हो जाता है क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो यह सब पारित हुए तभी यह सब हुआ, है ना। अगर संसद से पारित ना होता तो ये क्या है, एक प्रस्ताव के रूप में ही रह जाते, तब हम इसको यहाँ पे पढ़ नहीं रहे होते, है ना। तो ये क्या है, अधिनियम है, एक्ट है, क्योंकि ये सब क्या हो गए थे, पारित हो गए थे। ठीक, और यदि हम इसके सन की बात करें तो ये हमारा 1992 में, है ना, 1992 के द्वारा, ठीक, नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आप देखेंगे भाग 9 ख, ठीक, मूल संविधान में सहकारी समितियों की चर्चा नहीं की गई थी, यह बात की संकल्पना है। तो भाग 9 ख में सहकारी समितियों की चर्चा की गई कि कैसे कॉपरेटिव बनेंगे, कैसे वर्क करेंगे, उनके लिए क्या क्या रूलिंग होगी, बाकी सारी चीज़ें, है ना। और यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये चार संशोधन करके चार और भागों को ऐड किया गया, है ना। फिर भी आपको मूल संख्या 22 ही क्यों दिखती है,
क्योंकि देखिए जैसे ये चार था तो चार के बाद या इसके पहले भाग चार रहा होगा, तो चार के बाद पाँच नहीं किया गया, चार को कर लिया गया, या बाईस के बाद तेईस नहीं किया गया, इसलिए मूल संख्या मूल भागों की संख्या बाईस या छब्बीस जरूर हो गई। ठीक, हालांकि छब्बीस नहीं पच्चीस भाग है, क्योंकि एक भाग हटाया गया, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन टोटल संख्या पे असर नहीं दिखेगा आपको, यानी तथापि रूप से भाग कितने हैं, बाईस ही हैं, और अभी भी कई सारे एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पर बाईस भाग पर ही आप टिक करेंगे, क्योंकि संख्यात्मक रूप से यही मान है ना, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो आप 25 भाग हैं। ठीक, अच्छा तो कौन सा भाग हटाया गया, तो संविधान में एक भाग सात था, ठीक भाग सात था, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें अलग अलग प्रकार के राज्य थे, भाग मतलब जैसे भाग क के राज्य, ख के राज्य, तो समूह ख वाले राज्यों के लिए जो अनुच्छेद 238 था, वो एक ही अनुच्छेद था उसमें, उस टाइप के राज्यों को हटा दिया गया है ना, मतलब या तो पूर्ण भारत में इस समय राज्यों की अगर व्यवस्था आप देखें दो ही प्रकार के राज्य हैं, या तो पूर्ण स्टेट है कंप्लीट स्टेट, या फिर आपके यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित प्रदेशों की संकल्पना है। संघ शासित प्रदेशों में भी जैसे दो आपके ऐसे हैं दिल्ली और पुद्दुचेरी, जहाँ पर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और बाकी सब जगह विधानसभाएं नहीं हैं। जम्मू कश्मीर जो अभी नए यूनियन टेरिटरी बने हैं और लेह लद्दाख है ना, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली देने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विधानसभा बहाल नहीं हुई है। ठीक, तो इस तरीके की अभी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर राज्य दो ही प्रकार के हैं, है ना, तो जो समूह क ख ग घ चार समूहों में राज्यों को बांटा है वो सब हटा दिया गया, तो भाग सात का क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया, यानी इसको क्या कर दिया गया, संविधान से हटा दिया गया। इसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 238, अच्छा अनुच्छेद को ही इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ठीक इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और संविधान के अंतर्गत जितने भी बातों को लिखा जाता है उन सबको हम अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, है ना, और जो आपकी आईपीसी और सीआरपीसी इंडियन पेनल कोड वगैरह है या क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, उसमें जिन बातों को लिखा जाता है जो लाइन बाई, तो उन लाइनों को हम लोग धारा कहते हैं, ठीक सेक्शन बोलते हैं, है ना, धारा इसके तहत धारा उसके तहत। तो जिसे लोग कहते हैं अभी जो जम्मू कश्मीर है ना अनुच्छेद 370 था जिसको एबॉलिश कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, समाप्त कर दिया गया जो विशेष प्रावधान था जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, तो कई लोग उसे धारा 370 कहते हैं जो कि गलत है। अगर संवैधानिक रूप से आप देखें तो उसे अनुच्छेद 370 कहना ज़्यादा उचित होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद और धारा में छोटा सा डिफरेंस चर्चा के दौरान हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो भाग सात का आर्टिकल 238 इसको सातवें संविधान संशोधन है ना, मतलब शुरू में ही जब देश आज़ाद हो गया तो भाग सात के सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1956 में है ना इसको हटा दिया गया। तो यह एक भाग है जो सातवां भाग अब तक है ना, जो सातवें संविधान संशोधन का भाग सातवां, देखिए याद करना भी आसान होगा और संविधान संशोधन कौन सा है, सातवां है, इसके द्वारा इस एक भाग को हटा दिया गया। ठीक, तो टोटल भाग कितने थे, 22 थे, प्लस कितने हुए 1, 2, 3, 4 और एक क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 22 और 26 माइनस एक यानी कि 25। तो मूल रूप से अब भाग कितने हो गए हैं, 25 हैं, तथापि अभी भी हम 22 भाग, क्योंकि आपको मैंने बताया 4 का 14 का है ना, या इंग्लिश में देखेंगे तो ए बी करके इसको लिखा होता है, तो इसलिए मूल संख्या नहीं बदलती है लेकिन भाग वस्तुतः कितने हैं, 25 हैं। ठीक, जैसा प्रश्न होगा जैसा विकल्प होगा उसके अनुसार आप उत्तर का चयन करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अनुच्छेदों की संख्या भी मूल रूप से 395 मतलब 395 ही हैं, आर्टिकल भी कितने हैं 395 अभी भी हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही जोड़ा गया, जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर मान लीजिए 51 है, इसके बाद 52 न करके 51 ए कर दिया गया, क्योंकि 52 में ऑलरेडी कोई ना कोई आर्टिकल पहले से लिखित था, कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई थी है ना, तो मूल अनुच्छेद भी नहीं बदले, जबकि अगर आप ऐसे देखें तो अनुच्छेदों की संख्या 460 प्लस हो चुके हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम अनुसूचियों की बात करें शेड्यूल की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान संविधान में इस समय प्लस 4 यानी कि कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक, सबसे पहले जो इसमें जोड़ा गया वह नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, और यह आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन था। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संवैधानिक संशोधन किया गया,
क्यों? क्योंकि उस समय भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया था, ठीक, और ये लागू नहीं हो पा रहे थे, तो एक अलग से अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 9 सरकार के द्वारा, और उसमें व्यवस्था किया गया कि जिस भी कानून को बना करके अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, यानी वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर का कानून हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सरकार को कहीं ना कहीं संसद को थोड़ा सा स्पेस मिलता है अपने नियम कानूनों को लागू कर लेने के लिए, क्योंकि तत्कालीन समय में अब अगर हर चीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हर सुधार को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहता तो बहुत सारे विकास के कार्य अधूरे पड़ जाते, रुक जाते, बाधित हो जाते, है ना। तो भूमि सुधार करना था सबसे पहले तो, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, कुछ लोग बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से तो इसी कानून के संदर्भ में सबसे पहले संशोधन करके तो अनुसूची 9 जोड़ी गई है ना। और अनुसूची 9 के बारे में अभी हम अनुसूचियों को और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जानते रहिए कि अनुसूची 9 में जिन भी विषयों को हम डाल दिया जाता है वह विषय जो होता है आपका न्यायिक समीक्षा के बाहर हो जाता है ना, ठीक। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इसमें कुछ भी डाल देंगे, है ना, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अनुसूची 9 यह पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1951 में, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कर लें एक बार, तो फिर हम जो है अनुसूचियों की भी लिस्टिंग आपको ढंग से करा देते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। एक पहली अनुसूची के रूप में, अनुसूची को इंग्लिश में हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची 9 जोड़ी गई है ना। प्रथम या पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक। तो पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ, ठीक, और उसके तहत अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया, ठीक। इस बार से कुल अनुसूचियां कितनी हो गई? 9 हो गई। इसके बाद अनुसूची 10 शेड्यूल नंबर 10, ये क्या है? ये दल बदल कानूनों से संबंधित है, दल बदल निरोध कानून से संबंधित है। मतलब कि जो लोग जैसे चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर लड़ते थे और उसके बाद तुरंत क्या करते, दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर देते थे, है ना, तो उसको रोकने के लिए, है ना, दल बदल कानून लाया गया 1985 में, ठीक। और यह संविधान संशोधन आपका था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, ठीक। देखिए आपसे ये भी पूछा था किस अनुसूची में किस बात की चर्चा है, है ना। तो अभी तो हम लोग 8 अनुसूची ऊपर की होगी, उनकी चर्चा नहीं किए, तो बीच बीच में जहाँ जहाँ आएगा उसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, है ना। तो अभी हम लोग जो ऐड हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो अनुसूची 10 जोड़ दिया गया, दल बदल निरोध कानून 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे अनुसूची 11, और अनुसूची 11 में पंचायतों की व्यवस्था की गई। पंचायत जो ग्राम में आप देखते हैं सरकारें होती हैं, जैसे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक प्रमुख, है ना, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधानों की व्यवस्था, ठीक। तो इसकी व्यवस्था की गई थी, और यह आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1992, है ना। और इसी के साथ ही अनुसूची 12 नगर पालिकाओं के लिए, मतलब नगरों की जो पंचायत सरकारें थीं उसके लिए नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, है ना, ठीक। और इसमें देखिए पंचायतों से संबंधित 29 विषयों को जोड़ा गया था, ठीक, और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों को यहाँ पर जोड़ा गया कि कौन कौन से अधिकार नगर पालिका के होंगे, कौन कौन से अधिकार पंचायतों के होंगे, है ना। ये सारी व्यवस्था की गई, तो ये 4 अनुसूचियाँ
ऐड की गई, अनुसूचियों में किसी को हटाया नहीं गया है। इस प्रकार से इस समय अनुसूचियां टोटल कितनी होंगी, 8 + 4 = 12। तो वर्तमान संविधान में 25 भाग अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 12 हैं, ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, रिटेन है। एक चीज़ और देखिएगा, लंबा इसलिए भी हुआ कि बहुत सारे राज्यों की अलग से व्यवस्था की गई, जैसे अब तक अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का पूरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन ही था, पूरा अपना एक अलग संविधान था, ठीक, वह भी संविधान बड़ा करता, हालांकि इसको अब एबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उत्तर पूर्व के राज्य, उनकी देखिए डेमोग्राफी और ज्योग्राफी दोनों क्या है, डिफरेंट है हमसे, तो उनके लिए संविधान में भी कुछ अलग से व्यवस्था की गई। तो ये अलग अलग से व्यवस्था करने से भी संविधान क्या जाता है, बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपका जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, क्यों है यह भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और इसके साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कौन कौन सी अनुसूचियाँ जुड़ी, कौन कौन से भाग और संविधान में ऐड किए गए हैं। अनुच्छेद बहुत सारे ऐड किए गए, अनुच्छेदों को याद करना इतना आसान नहीं, हाँ जिस भाग को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से संशोधन अभी तक हो चुके हैं, वो अभी जो प्रमुख होंगे उन्हीं की चर्चा की जाएगी, ठीक। एक बात और जानिएगा कि संविधान में लगभग आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से भाग हैं और जिनमें से कुछ भाग, जैसे पहला भाग क्या है, है ना, तो भारतीय संघ को बताता है, दूसरा भाग क्या है नागरिकता को, तीसरा क्या है मौलिक अधिकार को, चौथा क्या है आपका DPSP यानी नीति। तो इस तरीके से जो भाग हैं उनकी चर्चा बार बार होती रहेगी और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक। तो जितना जहाँ ज़रूरी होगा उसको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए एक विशेषता आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें, सेकेंड, तो हमारे जो देश का संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, है ना, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। आप जानते हैं संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था, ठीक, और जिनमें से प्रमुख हमने आपको लगभग 10 देशों से किससे क्या लिया गया, USA से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, अलग अलग स्टेट से, उसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह भी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमने जो है विश्व के सभी संविधानों से जो अच्छी सी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने क्या किया, एकत्रित करके अपने संविधान में उसको प्रमुख जगह दी है, है ना। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये तीसरे बिंदु पर बात करते हैं, यह भी एक विशेषता है कि मतलब विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तीसरी विशेषता देखते हैं, भारतीय संविधान में नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, जो भारतीय संविधान है वह कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक। नम्यता मतलब हो गया आपका लचीला, अनम्यता मतलब हो गया कठोर, है ना, तो दोनों का मिश्रण है। और यह जो परिभाषित किया जाता है, इस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं, संविधान परिवर्तन की जो विधियां हैं वह किस प्रकार की हैं। तो आप जानते हैं संविधान में संशोधन दो प्रकार से होता है, एक तो विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसी संदर्भ में इस गुण को हम लोग परिभाषित करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो विशेष बहुमत क्या होता है, सदन के कुल सदस्यों उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक, जिसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे संविधान के भाग हैं और मुख्यतः सब ऐसे ही हैं जिनमें इस प्रक्रिया के तहत आप क्या है संविधान संशोधन कर सकते हैं, जो कि एक कठोर प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था है यदि हम उसकी बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि विशेष बहुमत तो रहेगा ही, साथ साथ विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन, ठीक,
अगर ऐसा कोई कानून है जो राज्य सूची से संबंधित है, जिसमें राज्य के अधिकार कम या ज़्यादा हो रहे होंगे, तो उससे संबंधित संविधान संशोधन करने के लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ आपको उस कानून को कम से कम भारत में जितने राज्य हैं उनके आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो वह संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। कैसे राज्य सूची की वजह से, अभी मान लीजिए एक आया था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऐसे भी करों को सम्मिलित किया गया जो राज्य सरकारें लगाती और वसूलती थी, उनके पे राज्य सरकारों का अधिकार था। इसलिए जब जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन करना पड़ा तो उसमें हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से भी अनुमोदन कराना पड़ा था, है ना। तो जो राज्य सूची के विषय होते हैं समानता, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यह तो हो गया जो ये बताता है कि भारतीय संविधान में संशोधन क्या है, अनम्य है, यानी कि बहुत ही क्या है, कठोर है। ठीक, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान हैं जिनमें आम विधेयकों जैसे जो साधारण विधेयक होते हैं आम विधेयक की तरह सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भाग, जैसे भाग एक में देखिए, नए राज्यों का अगर विलय करना हो या भारत के किसी राज्य को दो भागों में बांटना हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 4 के तहत सामान्य बहुमत से भी जो है क्या है, संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक, जो ये बताता है कि भारतीय संविधान क्या है, नम्य भी है, यानी कि साधारण बहुमत से भी संशोधन होता है और विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत क्या दिखाता है, इसके नम्यता यानी कि इसके लचीलेपन को दिखाता है, और विशेष बहुमत इसके कठोरता को यानी कि अनम्यता को दिखाता है। तो यह भी भारतीय संविधान क्या है, एक विशेषता है। इस संदर्भ में आप उसको याद रखेंगे, है ना। संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है आर्टिकल 368 के तहत है, अनुच्छेद 368 के तहत है, और सामान्यतः संविधान संशोधन इसी के तहत होता है। अगर वह विषय राज्य से भी कंसर्न है, स्टेट से भी जुड़ा हुआ है, तो ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। अगर केवल केंद्रीय या संघीय व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है तो इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं, है ना। ठीक, और जहाँ तक रही बात इसकी सामान्य बहुमत से, तो ये अलग अलग भाग में जहाँ जहाँ दिया है वहाँ वहाँ इसकी चर्चा की गई है। ठीक, जनरली जो सामान्य है वो यही है, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, और इसी संदर्भ में जो संविधान को परिभाषित करते हैं वो लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट फीचर की चर्चा करेंगे। आइए थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ फीचर की चर्चा करते हैं, जिसमें है नागरिकता। तो भारतीय संविधान भारतीय लोगों को एकल नागरिकता प्रदान करती है, है ना, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, और आप देखेंगे संविधान के भाग दो में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। इसके अलावा भारतीय नागरिकता अधिनियम, क्योंकि आर्टिकल 10 में यह भी परिभाषित, यह भी कहा गया अनुच्छेद 10 में कहा गया कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह जिसको चाहे उसको अपना नागरिक मान ले नियम कानून बना करके। उसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, नागरिकता यानी भारत के नागरिकों को, मतलब या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। जैसे पहला था वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन यानी कि हिंदी में से कहते हैं हम पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, यहां लिख लेते हैं इसको 1955। पहला था जन्म के आधार पर, पहले तो जो जन्म लेगा भारत में उसके आधार पर, तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण लिख लेते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, पंजीकरण के आधार पर, और इसके बाद देशीकरण के आधार पर, और यदि किसी भी भूभाग को विलय कर लिया जाता है तो उस भूभाग के सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे, यानी भूभाग के विलय के आधार पर।
तो ये पांच प्रकार से नागरिकता दी जाती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना। और नागरिकता देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया CAA, है ना। अभी इसकी चर्चा बाद में होगी, तो इसलिए पहले के जो प्रोसेस है वो आपको ढंग से पता होना चाहिए। यह वाला पोर्शन आपका वाला क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया है ना। बाकी जो हम लोग भाग दो की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे और डेप्थ में इसको देखेंगे। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यह भी इसकी क्या है, एक विशेषता है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, और शुरू शुरू में वयस्कता के लिए जो उम्र की सीमा निर्धारित की, मतलब इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार है, बस वो क्या होना चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। और इसके लिए आयु शुरू शुरू में कितना था, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक। मतलब कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और वह भारत का नागरिक है तो वह मतदान कर सकता है, है ना। और एक व्यक्ति एक मत के ही मूल्य को भारत में माना गया था, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 21 वर्ष से अधिक का व्यक्ति क्या है, वयस्क माना गया था। लेकिन 1989 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष की आयु, और अधिक नहीं लिखेंगे इसको, लिखेंगे 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति था उस समय, प्राप्त कर चुका व्यक्ति मतदान कर सकता है। और अब क्या है, 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसे मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। 1989 में ये संशोधन किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक। पहले ज़्यादा उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी देर से आती थी, बाद में आप देखेंगे कि कम उम्र में शिक्षा व्यवस्था सुधार बाकी सारी चीज़ों में हुई, तो इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और अभी भी भारत में मतदान देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हर एक भारतीय नागरिक को है, ठीक। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। छठवां अगर विशेषता की बात करें हम लोग, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत में अगर आप देखें तो न्यायपालिका में भी एक क्या है, क्रम है, है ना। तो भारत की न्यायपालिका सबसे ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अधीनस्थ न्यायालय का एक क्रम है, ठीक। और यह जो न्याय व्यवस्था है वह क्या है, स्वतंत्र है, एकीकृत है और निष्पक्ष है, किसी दबाव में कार्य नहीं करती है ना, ठीक। तो यह भारतीय न्यायपालिका की अपनी क्या है, एक विशेषता है। और इनका काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम है आपको याद रखना है मूल अधिकारों की रक्षा करना, ठीक। और इसके साथ साथ ही इसे संविधान का संरक्षक, इस शब्द को याद रखिएगा, कस्टोडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और जैसा ऐसे पूछ देता है बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है लोगों को, आप राष्ट्रपति अगर टिक मार देते हैं, है ना, संविधान का संरक्षक कौन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक, कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। तो इसको आप नोट कर लेंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है। देखिए सातवें विशेषता के रूप में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, है ना। जैसे आप देखें कि न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ही आप देख लें या हाई कोर्ट को देख लें, है ना, तो अगर मान लीजिए संसद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम की, इसके पास एक अधिकार होता है न्यायिक समीक्षा का, अधिनियम का न्यायालय
न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक, बाकी अभी देखेंगे कौन सा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होगा तो वह संघीय कानूनों की समीक्षा कर सकता है, हाई कोर्ट जो होगा वह जो राज्य की विधान परिषद विधानसभाओं के कानून होते हैं उनकी समीक्षा कर सकता है। ये सब आएंगे जो हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे न्यायपालिका में, लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता किस प्रकार से है। तो संसद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम का न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और असंवैधानिक होने पर या संविधान सम्मत न होने पर वह उनको कैंसिल कर सकता है, यानी उस अधिनियम को रोक सकता है, उसे अघोषित कर सकता है ना, असंवैधानिक माना जा सकता है। इस प्रकार से न्यायालय क्या है आपका, सर्वोच्च है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत हो गया। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत क्या है कि संसद चाहे तो संविधान में ही संशोधन कर दे, है ना, विशेष बहुमत के आधार पर। तो संविधान में संशोधन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक। तो इसलिए इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, यह कुछ ऐसा नहीं करता कि इसके अधिकार कम है, और यह भी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि इसका जो काम है यानी विधि बनाने का काम विधायिका का है और उसको जस्टिफाई करने का काम न्यायालय का है। तो दोनों एक कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं, न कि मतलब दोनों का काम क्या है, सुगमता से नियम कानून बना रहे और देश का शासन प्रशासन चलता रहे, न कि अवरोध उत्पन्न करना, इसी बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। तो न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता दोनों में क्या एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए आठवीं विशेषता के रूप में संसदीय शासन प्रणाली है ना, तो भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है, इसका मतलब क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका के सहयोग एवं समन्वय पर आधारित शासन व्यवस्था आप यहाँ देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है इसका उद्गम विधायिका से ही होता है, ठीक, इस बात को आप समझिएगा। तो विधायिका एवं कार्यपालिका के सहयोग एवं समन्वय, ठीक, पर आधारित व्यवस्था आपके देश में है, जिसमें संसद की भूमिका क्या होती है, अहम होती है, है ना। और आप देखेंगे जो कार्यपालिका प्रमुख, जो वास्तविक प्रमुख है, जैसे कि संघीय कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में आप राष्ट्रपति, और जो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख के रूप में है राज्यपाल, है ना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल मात्र नाम मात्र के प्रधान होते हैं, है ना, ठीक, यह क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। बाकी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके पास अपने से निर्णय करने की शक्ति नहीं है, है ना। राज्यपाल के पास तो फिर भी कुछ विषय मिल जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास, है ना, यह जो मंत्रिमंडल होता है उसके उसी के सहयोग पर ही कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति की चर्चा हम करेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री ही होते हैं, ठीक। और यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन संसद से ही होता है, है ना। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक, इस बात को आप समझेंगे, है ना। तो वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा आप देखिए संसदीय शासन प्रणाली का आशय इस बात से भी है कि संसद में जो प्रतिनिधि होंगे वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। यह बात भी दिखाती है संसदीय शासन प्रणाली को, है ना। जैसे आप देखेंगे लोकसभा मेंबर्स, उनका चुनाव कौन करता है, जनता करती है संसद में, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राज्यसभा मेंबर को देखेंगे, ठीक, तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव राज्यों के MLA करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसे आप विधायक कहते हैं, है ना, ठीक, विधायकों के मतदान के आधार पर इनका, और विधायकों को भी कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो यहाँ पर भी फाइनली दो स्टेप के बाद है, लेकिन आती मूल रूप से कौन ही, जनता ही आती है, ठीक। तो संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यह भी दिखाता है संसदीय शासन प्रणाली को। और भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है कि यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में अगर हम आठवें के बाद नौवीं विशेषता की बात करें तो मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, ठीक, मूल कर्तव्य की चर्चा, इसके बाद नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई, और फिर मूल कर्तव्य, ठीक, इन तीनों को धारण करने वाला यह अपने आप में एक अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। नीति निषेध तत्व आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और मूल कर्तव्य भाग 4 ए या 4 क इसे कह सकते हैं आप, है ना, इसमें आपका एक ही अनुच्छेद है 51 ए के तहत चर्चा की गई है। ठीक, तो यह भी अपने आप में क्या है, एक भारतीय संविधान की विशेषता है जिसमें मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य तीनों को समाहित किया गया है। नोट कर लें इसको। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, यह भी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है, और विश्व में ऐसा और किसी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो जो शासन था, शासन को सुगमता एवं पारदर्शी, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आप देखेंगे कि अभी जिसकी हम लोग चर्चा किए थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था मतलब ये है कि सबसे ऊपर संघीय सरकार यानी संघ सरकार, या जिसे आप केंद्र सरकार कहते हैं, इसके बाद फिर राज्य सरकारें यानी कि राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकार पंचायत और नगर पालिका के रूप में स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई है, है ना। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है, यानी भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। मूल संविधान में यहाँ पर भी सिर्फ 2 स्तरीय सरकारें थी, लेकिन अब अगर ऊर्ध्वाधर रूप से आप देखें तो 3 स्तरीय सरकार है, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक, इसके बाद हम देखें अगली विशेषता के रूप में, तो आपको दिखेगा 11वां आपात उपबंध। आपात उपबंध, तो भारत की एकता संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए आपात उपबंधों की चर्चा की गई है, है ना। और 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपात, यह है अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा की गई है। तो राष्ट्रीय आपात जब पूरे देश पर लगता है, है ना, किसी भी संकट की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन देश पर नहीं लगता, आप ध्यान रखें, किसी एक विशेष राज्य पर लगता है, है ना। जब राज्य किसी संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या जो संघवाद की व्यवस्था है उसका अनुपालन नहीं करता है, तब केंद्र सरकार को या संसद को यह अधिकार होता है कि वह उस राज्य पर, उस राज्य सरकार को हटा कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दें अनुच्छेद 356 के तहत। तो कुल मिलाकर के भारत की एकता संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए, यानी इन 3 चीज़ों पर अगर कभी भी किसी प्रकार का खतरा आता है तो सरकारों को, मतलब संघ को, संसद को यह अधिकार है कि वह इनमें से किसी भी आपात उपबंध का प्रयोग कर सकती है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत अभी भारत में इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है, है ना। ठीक, तो ये 3 प्रकार के आपके आपात उपबंध हैं। यह भी भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है, नोट कर लेंगे इसको। आइए अगले सबसे आखिरी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं, पंथ निरपेक्ष, है ना। तो भारतीय संविधान भारतीय शासन व्यवस्था को एक सेकुलर स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास करता है। हालांकि मूल संविधान में इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, आप देखेंगे कई जगह इसकी चर्चा हो रही है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, जो भारत का प्रीएम्बल है, जो कहीं ना कहीं पूरे संविधान का एक सार है, एक दृष्टि, एक विजन को प्रदर्शित करता है, उसमें प्रीएम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसका मतलब यही है कि सरकार, जो भारत की सरकार है, वह ऐसी किसी भी नीति का अनुपालन या अनुसरण नहीं करेगी जो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करता हो, है ना। पंथ निरपेक्ष शब्द का यही मतलब है। बाकी जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे और वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ की चर्चा हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से इसको उसके साथ जोड़ा जाता है। तो भारत का एक सेकुलर स्टेट है जिसकी व्यवस्था संविधान करता है। यह भी भारतीय संविधान की एक क्या विशेषता है। इस प्रकार से हमने आपके सामने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की और उसको समझाने का प्रयास किया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में
हम लोग संविधान के आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तावना से प्रारंभ करेंगे चीज़ों को और एक एक चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।